हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़े अपडेट के रिलेटेड, जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और यूनिवर्सिटीज एग्जाम वालों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सरकार का बड़ा फैसला, केवल इन कोर्सों के छात्रों को दिया जाएगा जनरल प्रमोशन। मेडिकल बीएड, एलएलबी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और अन्य कोर्सों के छात्रों के लिए भी सरकार ने लिया बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन कोर्सेज वालों को दिया जाएगा जनरल प्रमोशन, मैनेजमेंट, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बीएड और एलएलबी वालों के लिए क्या बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। उसी के साथ साथ कैरियर ओवर और बैक पेपर के छात्रों के लिए भी लिया गया बहुत बड़ा फैसला। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में आज हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। आज की अभी बहुत ही बड़ी खबर आई हुई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि अगर ऐसी यूजीसी रिलेटेड या फाइनल ईयर एग्जाम रिलेटेड या यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो हम सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफाई कर पाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हर वह चीज डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन कोर्सों को जनरल प्रमोशन मिलने वाला है, किन किन को नहीं, किन किन को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं ऑफिशियल न्यूज से। तो ये वो न्यूज़पेपर है जहाँ से ये जो ऑफिशियल न्यूज है वो आई हुई है, यहाँ से वो हर एक न्यूज ली गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है वो हर एक न्यूज हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सबसे पहली न्यूज जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तकनीकी और प्रबंध कोर्सों के लिए ये दिशा निर्देश नहीं है। यानी कि तकनीकी और प्रबंध, यानी कि टेक्निकल जो इंजीनियरिंग कोर्स है, टेक्निकल कोर्स और मैनेजमेंट कोर्स, ये दो ऐसे कोर्स है जिनके लिए जो कल यूपी गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी की गई है जनरल प्रमोशन के लिए। तो ये दो कोर्स ऐसे, यानी कि टेक्निकल कोर्स और मैनेजमेंट कोर्स, जितने भी कोर्सेज रहेंगे उनके लिए ये जो गाइडलाइंस है वो जारी की नहीं गई है। यानी कि टेक्निकली और मैनेजमेंट वालों को जो जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये एक चीज आपको क्लियर होगी कि जो टेक्निकल और जो मैनेजमेंट, ये दो कोर्सेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको जो है प्रमोशन, जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जनरल प्रमोशन जो दिया जाएगा वो किन किन कोर्सेज वाले को दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, संचालित कला, विज्ञान, विज्ञान, यानी कि इसको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ आपको, जैसे कि जो जो कोर्सेज जिसको अलाउ किया जाएगा जनरल प्रमोशन के लिए वो है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ और एग्रीकल्चर। ये जो कोर्सेज है मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, आर्ट्स, कला यानी आर्ट्स, विज्ञान यानी साइंस, कॉमर्स, लॉ और एग्रीकल्चर, ये कोर्सेज वाले लोगों को जो है जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा। और जो टेक्निकल कोर्सेज और जो मैनेजमेंट कोर्सेज वाले, इन लोग को जो जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। ये जो गाइडलाइंस है यूपी की, कल गाइडलाइंस यूपी गवर्नमेंट ने रिलीज किया, उसके थ्रू हमें ये पता चला है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों को बैक और कैरी ओवर आता है। तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही क्लियर न्यूज आ चुकी है कि जिन लोगों को बैक या कैरी ओवर आया उन लोगों का जो एग्जाम है वो होगा, उनका भी एग्जाम होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रो राजीव कुमार ने बताया कि अंतिम वर्ष के छात्रों की सेम सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ कैरी ओवर वो बैक पेपर की परीक्षा भी की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों को ये डाउट होगा कि जो बैक पेपर है, जो कैरी ओवर है उनका, उसकी परीक्षा होगी कि नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि जिन भी छात्रों की बैक पेपर या कैरी ओवर है उन सबका बैक पेपर और कैरी ओवर का भी जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। साथ ही साथ आगे ये भी बता दिया कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो छात्र है जिन्हें बैक पेपर या कैरी ओवर लगा है, उन्हें भी जैसे ही सिचुएशन आगे नॉर्मल होगा तो उनका भी जो बैक पेपर और कैरी ओवर है उसका जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। बैक पेपर और कैरी ओवर का एग्जाम है वो माफ नहीं किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब आपको इस बैक ओवर और बैक पेपर और कैरी ओवर को लेके कोई भी क्वेरी रिलेटेड अभी आपके मन में नहीं रहना चाहिए। क्लियर यहाँ पे अभी बता दिया कि सबका जो बैक पेपर और कैरी ओवर है वो होगा। अगर फिर भी आपको इसके रिलेटेड कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपकी इसके रिलेटेड मदद करूंगा। अब हम बात करते हैं बीएड के छात्रों की। तो जो स्टूडेंट्स बीएड के कोर्स कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में है, जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो है प्रमोट कर दिया जाएगा अगले सेमेस्टर में ऑन द बिहाफ ऑफ पास परफॉर्म। जो उनका पिछला परफॉर्मेंस रहा होगा उसके अनुसार जो है उनके आगे पास कर दिया जाएगा। पर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उन्हें पास नहीं किया जाएगा। मैं फिर से बता दूं फ्रेंड्स के, ये जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको किसी को, चाहे वो कोई भी कोर्स से बिलोंग करते हो, उन्हें पास नहीं किया जाएगा। सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उन्हें जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, चाहे वो कोई भी कोर्स से बिलोंग करता है, उनका हर एक एग्जाम जो है वो होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी ये सब जो चीज़ें जो मैंने बताई है, सब न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, उसमें अगर अभी भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ किन किन को जनरल प्रमोशन मिलेगा, किन को नहीं, बी एड का स्टूडेंट का भी बता चुका, बैक ओवर सबका बता चुका हूँ। फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको इस तरह के और अपडेट चाहिए तो प्लीज लाइक की मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबाइए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।